अस्सलाम वालेकुम। आज का पहला सवाल एक ऐसा है जो कि ज़्यादातर पेरेंट्स हैं उनका एक कंसर्न होता है, वो इस चैलेंजिंग सिचुएशन में पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल से निकल पाते हैं। और अक्सर अकाद अगर कोई पेरेंटिंग कोच के पास जाएँ वो, या पेरेंटिंग काउंसलर के पास जाएँ, या किसी से भी वो डिस्कस करना चाहें, इवन इमोशनल हेल्थ काउंसलर्स के पास जाएँ, तो वन ऑफ़ द बिगेस्ट रीजंस उनकी इमोशनल हेल्थ डाउन जा रही होती है, या वो फील कर रहे होते हैं स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे होते हैं, या वो इमोशनल अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, वो यही वजह बन रही होती है कि वो अपने बच्चों पे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड दिस इज़ समथिंग जो नॉट ओनली मदर्स लेकिन वो फादर्स भी बहुत ज़्यादा फेस करते हैं ये प्रॉब्लम, ये चैलेंज। एंड आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली कि बहुत पेशेंस वाला काम है पेरेंटिंग, और अक्सर औकात इवन समबडी जो जानता हो, इवन समबडी जो अच्छा वेल अवेयर हो विद द रेपरकशंस ऑफ शोइंग एंगर, विद द रेपरकशंस के अगर आप उसके बच्चे पे चीख लें या डांट लें उसको या उसको लगाएं तो उसका क्या असर होगा, लेकिन बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया जाता है। और अक्सर औकात वो भी लोग जो अदरवाइज बहुत काम होते हैं, अदरवाइज अपने आप को इमोशनल नहीं समझते, वो भी अपने इमोशंस को लूज़ कर जाते हैं मोमेंट्स पर। तो इसी तरीके से मेरी, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा आजकल एक कोर्स चल रहा है प्री टीन्स के साथ लाइफ स्किल्स के ऊपर, और हमारा 12 मॉड्यूल्स हैं जिनमें से एक इमोशनल कंट्रोल पे, और वो अभी रिसेंट मोस्ट जो अभी मैं बच्चों के साथ कर रही थी वो इमोशनल कंट्रोल पे ही कर रही थी। उसके बाद माँ बाप आए और सिमिलरली लाइक आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये एक क्वेश्चन रेज किया जाएगा कि चले बच्चों को तो सिखाया जा सकता है कि बच्चे इस टाइम पर अपने कंट्रोल करना है, लेकिन बच्चों की भी वो प्रैक्टिस में कितना आता है इज़ हैविली डिपेंडेंट ऑन के वो अपने माँ बाप को किस तरीके से देखते हैं, वो माँ बाप को कितना कंट्रोल करते हुए देखते हैं या कितना कंट्रोल लूज़ करते हुए देखते हैं। और इसकी वजह से बल्कि फादर्स कुछ थे जो कंसर्न शो कर रहे थे कि हम अगर नहीं कंट्रोल कर पाते अपना गुस्सा बच्चों के साथ, ऑब्वियसली क्योंकि जितना एक इंसान स्ट्रेस पे होता है उतना ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, उतना ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने इमोशंस को लूज़ करेगा, अपने इमोशंस के कंट्रोल को लूज़ करेगा और वो गुस्सा ज़्यादा दिखाएगा। और क्योंकि बाप जो होते हैं वो फाइनेंशियल स्ट्रेस के बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस में होते हैं, और बेशुमार बाहर की सिचुएशंस को देखते हुए वो वर्ल्ड के साथ जिस तरीके से उनका एक्सपोजर है, जिस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है कि वो अपने इमोशंस को बच्चों के साथ जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते, स्पेशली जब वो एक थके हारे वापस घर पे आए और कोई भी रीज़न बनी है और वो उस वक्त उन्होंने बच्चों को बिकॉज दे वॉन्ट कि वो सुकून उस वक्त मिले और वो नहीं मिल रहा होता, तो वो बच्चों को या उन्होंने डांट दिया या लगा दी उन्होंने या किसी तरीके से अपना गुस्सा दिखा देते। तो ऐसे ही सवाल उठा था लास्ट टाइम, और उनसे मैंने एक जो मैंने पॉइंट रेज किया था, उसके बाद मेरे पास बेशुमार पेरेंट्स जो थे उन्होंने मुझे कमेंट करके और मैसेज करके, स्पेसिफिकली मैसेज करके मुझे बताया कि ये बहुत इफ़ेक्टिव एक टूल हो सकता है। तो व्हेन आई रियलाइज्ड के मोस्ट पीपल डू नॉट नो दिस, मैंने कहा इस पर मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊँ। और वो क्या है, वो है सर फाइस हमारे जो हैं वो ह्यूमन बिहेवियर एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने हमें एक ट्री मेटाफर सिखाया है। और वो ट्री मेटाफर क्या है, वो आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए आपकी बिलीफ और बिहेवियर का रिलेशन आपस में क्या है, वो बहुत अच्छा तरीका है इसको समझने के लिए। एक सिंपल एक लेमैन इंसान भी जिसको साइकोलॉजी या ह्यूमन बिहेवियर की इतनी कोई समझ नहीं है, लेकिन क्योंकि हम ऑब्वियसली हमारा बिहेवियर है और हमारी साइकी है जो कि इस इन सब्जेक्ट्स के थ्रू स्टडी की जा रही होती है, और हमारा ही इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है अगर हम इनको समझ पाएँ। तो उन्होंने बड़े क्लेमन टर्म्स में, बड़े कॉमन मैन टर्म्स में एक्सप्लेन किया था कि क्या आखिरकार रिलेशनशिप है बिटवीन द टू, बिटवीन अ बिहेवियर दैट अ पर्सन डिस्प्लेस एंड बिलीव्स दैट पर्सन हैज़ विद इन हिमसेल्फ। वो इसी तरीके के है जैसे कि एक हमें दरख्त नज़र आता है और उसके हमें पत्ते नज़र आ रहे होते हैं, वो पत्ते जो हैं वो उनका रंग क्या है, उनकी शेप क्या है, और उन पत्तों के साथ कौन सा फ्रूट उगता है या सीड्स उगते हैं या फ्लावर्स उगते हैं ऊपर वो, और नीचे रूट्स क्या है, उनका आपस में क्या रिश्ता है। तो अगर आपने मैंगो की जो सीड है उसको ग्रो किया, उसकी सबसे पहले रूट ग्रो करती है और आखिर में जाके वो डेकेड्स लेटर एक इतना बड़ा दरख्त बन जाता है कि उस पर फल भी लगता है, वो फल आप खाते भी हैं, तो बच्चे का भी बिहेवियर इसी तरीके का है। वो बहुत पहले बिहेवियर जो है उसका जो स्टार्ट होती है वो रूट कॉज जिसको कहते हैं, जहाँ से ये टर्म भी निकली है, वो बिलीफ से निकल रही होती है। जब आप बहुत छोटा होता है बच्चे के बिलीफ्स बन रहे होते हैं, इसी वजह से कहा जाता है जो पहले 6 साल है बच्चे के सबसे अहम है, क्योंकि उसमें उसके बिलीफ्स बन रहे हैं जिसकी बेस पे पूरी ज़िंदगी का उसका बिहेवियर फॉल बैक करेगा। सो व्हेनेवर वो स्ट्रेस में है वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं
कर सक रहा फॉर दैट मोमेंट फॉर सोशल एक्सेप्टेंस फॉर द नीड और रिक्वायरमेंट ऑफ द सोशल सर्कमस्टांसिस, वो अपने बिलीव्स पे ही गिरता है. और वो बिलीव्स इतने स्ट्रांग, इतनी बड़ी फाउंडेशन होती है एक इंसान के बिहेवियर की कि उनको चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है. ऐसा ही है जैसे आप एक दरख्त को पूरा, ना सिर्फ कि उसकी शाखें, मतलब कितना आसान है इसके रूट, इसकी जो ब्रांचेस हैं उनको या पत्तों को तोड़ना या ब्रांचेस को काटना, इट्स फार ईजियर कि आप उनको ब्रांचेस को तोड़ दें ना कि आप डीप डाउन हर रूट को निकालें. उसी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकती हो और आप समझ सकते होंगे कि बिलीव्स को चेंज करना कितना मुश्किल है. तो कमिंग बैक टू इमोशनल कंट्रोल एंड द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड बिलीव, अगर आप ये फादर्स बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते होंगे ये एक मेटाफर या एक कंपैरिजन. आप ऑफिस जाते हैं और आपका जो बॉस है वो आपको बहुत मिसट्रीट करता है, आपके साथ बुरा सलूक करता है और आपने कोई गलती नहीं की होती, उस पर आपको डांट पड़ रही है, आपका जो है वो या तनख्वाह से रोकी हुई है या आपकी प्रमोशन जो आपकी बनती है वो किसी और को दे दी जाती है नेपोटिज्म की बेसिस पे, या जो भी कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे आपको बहुत गुस्सा चढ़ता है, वट इज़ द पॉसिबिलिटी कि वो गुस्सा जो है वो ट्रांसलेट होगा और आप आगे से अपने बॉस को एक लगाएंगे? आई मीन कि शायद गिनती के बराबर लोगों दुनिया में जो जिन्होंने ये किया हो, बहुत ही कम, और वो फिर बाद में वो नुकसान ही उठा रहे होते हैं इसका, या बहुत ही कम लोग हैं वो सोच भी सकते हैं कि हम इतना बड़ा स्टेप ले सकेंगे. इवन तो गुस्सा वहाँ है, जो फीलिंग है वो है, लेकिन वो इमोशन में ट्रांसलेट नहीं होता, मतलब एक्शन साथ उसके लगता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ओ आई विल गेट फायर्ड आफ्टर दिस, मुझे इनकम नहीं मिलनी, मेरा इनकम नहीं मुझे मिलेगी तो ऑब्वियसली मेरा घर नहीं चलने वाला, या मेरे बॉस ने मुझे जॉब से निकाल देना, इसके बाद मुझे जॉब कहाँ मिलेगी, आजकल हालात किस तरीके के हैं, मुझे मिल कैसे सकेगी जॉब, इसके बाद हो सकता है मेरे रेज्यूमे या सीवी पे बहुत बुरा कोई मार्क छोड़ दे, कोई बड़ा रिव्यू दे दे मेरे बारे में, मुझे दोबारा से इस जगह पे जॉब ही ना मिले, इस सेक्टर में मुझे जॉब ना मिले. कितने ज़्यादा इसके आप ख्याल आते हैं आपके जहन में, जॉब कहते हैं ओके दिस इज समथिंग आई कैन नॉट डू, आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग है कि यू आर सर्टन ऑफ दिस, यू आर श्योर ऑफ दिस कि ये होएगा. अगर मैंने अपने बॉस को आगे से लगा दी, या मैं उस पर चीखा, या मैंने उसको अपना गुस्सा दिखाया, इमोशनल होकर दिखाया, इमोशन के तौर पे फीलिंग को एग्जिबिट किया, तो उसके जो रेपरकशंस मुझे बेयर करने पड़ने, आई कैन नॉट बेयर दोस, वो मैं नहीं, उनको मैं वो इतनी हाई प्राइस है कि मैं वो प्राइस पे करने को तैयार नहीं हूँ. तो आप नहीं कुछ करते उस पर, आपको गुस्सा आता है, आप गुस्सा पी जाते हैं, या आप गुस्सा कहीं और निकाल देते हैं, या आप उसको रैशनलाइज कर लेते हैं और वो ख़त्म हो जाता है, या वो किसी और पे जाके निकल जाता है, बॉस पे नहीं निकला. अब यही बिलीफ आप लेकर आ जाएं घर पे, अगर आप इसी तरीके से अपने बच्चे के पास जाते हैं, बच्चा जो है वो कोई ऐसी ही गलती करता है जो आपको पता है कि बच्चा है, अगर आपका बिलीफ ये बना हो साथ कि एक बच्चा है, उसकी समझ इतनी लिमिटेड है जहाँ हम अपनी समझ के मुताबिक उनको उसके उस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनको कंपेयर कर रहे होते हैं, उनकी तो अभी फुली डेवलप्ड ही नहीं है समझ, ना उनको मोरालिटी का पता है, ना अल्लाह के सामने वो किसी चीज़ पर उनकी पकड़ है, तो ऑब्वियसली वो कितने इनोसेंट है, एक बात ये. दूसरी बात, अगर आपका बिलीफ इतना स्ट्रांगली इस्टेब्लिश हो, दिमाग में इनग्रेंड हो कि अगर मैंने इस पर एक्ट आउट कर लिया, मुझे गुस्सा चढ़ा, मेरे फीलिंग पे कंट्रोल नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गुस्सा चढ़ता था, ठीक है, तो अगर मेरे फीलिंग पे कंट्रोल नहीं है कि मुझे गुस्सा चढ़ा, ठीक है बनता है, आई एम टायर्ड राइट नाउ, या मैंने वॉशरूम जाना है मुझे वो जाने नहीं दे रहा, या मुझे भूख लगी भी मुझे खाने नहीं दे रहा, इसने कुछ गिरा दिया एंड दैट मीन्स कि कारपेट खराब हो गया मेरा या वॉट एवर, तो गुस्सा बन रहा है, अब आपने उस गुस्सा किया उस वक्त और उस वक्त आपने अपने आप को रोक लिया या आप अपने हाथ चला दिए, तो अगर आपको इस चीज़ का पक्का पता है कि मी हिटिंग दिस चाइल्ड राइट नाउ, मैंने अभी गुस्सा दिखाया, वट विल दिस ट्रांसलेट इन टू, इसके आगे रेपरकशंस क्या है, ए मेरा और इसका आपस में ट्रस्ट ब्रेक करेगा, बी ये आगे जाके फ्यूचर में अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकेगा, सी मेरा गुस्सा लूज करने का मतलब है कि उसको नजर आ रहा है अगर मामा बाबा लूज कर सकते हैं गुस्सा, तो मैं क्यों कंट्रोल कर रखूँ पूरी ज़िंदगी अपना, मतलब वो आपको जो रोल मॉडल बना के उसने रखा हुआ है उसका वो भी इमेज टूट गया, और उसके फ्यूचर के बारे में जो उसने सोचा हुआ था कि इमेज जो क्रिएट हो रहा था, इंप्रेशन क्रिएट हो रहा था एक इंसान कैसा होना चाहिए, वो भी ख़राब हो गया. अब ये तीन चार चीज़ें आप लेके चल रहे हो और इसके बहुत ज़्यादा और भी इम्पैक्ट होंगे, इसकी इमोशनल हेल्थ ख़राब हो जाएगी, इसका ये इसके लिए एक ट्रोमाटिक इवेंट होएगा, इसके जो इमोशंस का कंट्रोल था वो तो ख़त्म हो ही गया, लेकिन उसको स्ट्रेस, जैसे बाद में उसने जाके डील करना है स्ट्रेस के साथ, स्ट्रेस को हैंडल करना है, उसके वो टूल्स उसके पास नहीं रहेंगे, उसके वो रिसोर्सेज उसके पास नहीं रहेंगे, वो जनरली हो सकता है बहुत ज़्यादा सर्कमस्टांसिस में जहाँ वो सब्र दिखा के सक्सेसफुल हो सकता था, वो वहाँ फेलियर हो आपके इन छोटे छोटे डिसीजंस की वजह से.
अब अगर आपने इस तरीके से इसको देखा कि मैंने एक दफ़ा एक मोमेंट पे मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल कर दिया, तो इसका फ़ायदा ये 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 है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि इसके लिए भी और मेरा और इसके साथ रिलेशनशिप के लिए भी। और अगर मैंने नहीं सब्र दिखाया अभी या नहीं कंट्रोल किया तो इसके नुकसान ये 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 हैं। अगर आप उसी तरीके से अप्रोच कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को या इस सिचुएशन को जैसे आप बॉस वाली सिचुएशन को अप्रोच कर रहे हैं, तो वो बिलीव एकर इतना स्ट्रांग है तो वो बिहेवियर में ट्रांसलेट नहीं होगा, बिहेवियर में ट्रांसलेट नहीं होगा। आप इमीडिएटली ये करना, क्योंकि ये बिहेवियर एक आपने अगर आपके पेरेंट्स ने आपको इस तरीके से रेज नहीं किया, और अगर आगे पीछे आपको पता ही है किस तरीके से लोग इतने कॉन्शियस पेरेंटिंग तो करते नहीं है ना, माइंडफुल हैं कि वो करके आ रहे हैं उसके बारे में सोचते नहीं है। टू टेक दिस स्टेप विल रिक्वायर नॉट ओनली अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन योर पार्ट, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हिट एंड ट्रायल वाले आपका ये मेथड होएगा। काफ़ी दफ़ा हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए, आप लूज़ कर जाए कंट्रोल, इसके बाद आप जाके बच्चे को अपोलोजाइज कर रहे हो या आप उसको प्यार करके आप उसको ओवर कॉम्पनसेट करके किसी तरीके से बनाने की कोशिश करें, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता करके आपको एक लेवल पर पहुँचना पड़ेगा जहाँ आप अपने इमोशंस को इस तरीके से कंट्रोल कर सकें बिकॉज ऑफ द बिलीफ जो आपके पीछे पेरेंटिंग के बारे में है इस्टेब्लिश्ड, कि ये मैं प्राइस पे करने को तैयार नहीं और इस बच्चे पे ये बनता नहीं है, ये ही इज़ नॉट, ही डजंट डिजर्व दिस। तो अगर गुस्सा कंट्रोल जो आपसे नहीं होता, अगर आपने कहीं से शुरू करना है तो आपको बिलीफ अपना चेंज करना पड़ेगा, जो सबसे मुश्किल चीज़ है, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, जो इंसान को तोड़ने के लिए काफ़ी है, लेकिन तरीका यही है, क्योंकि अदरवाइज आपका सिर्फ एक पैच वर्क है, आप ऊपर से ठीक करते रहेंगे, लेकिन अगर बीमारी की कॉज ठीक नहीं हो रही तो वो बीमारी बार बार कहीं ना कहीं पूरे जिस्म पर निकलती रहेगी। तो आपने ऊपर से उसके मरहम कर दिया, आपने पट्टी लगा दी, दवाई लगा दी, लेकिन अगर वो अंदर टॉक्सिन है, अगर अंदर कोई मसला इन्फेक्शन है, वो कहीं ना कहीं से नज़र ज़रूर आता रहेगा। और यही इन्फेक्शन जो है, अगर आप समझ रहे हैं इसको बिलीफ के तौर पर, तो वो बिलीफ जब तक के अंदर जाके रूट में आप जाके इसको ठीक नहीं करेंगे तो आप बाकी में अपने इमोशंस को लूज़ करते रहेंगे। तो बाकी बहुत ज़्यादा टेक्निक्स मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चा अगर आप इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पा रहे बच्चे के साथ, तो उसके छोटे छोटे क्या तरीके हो सकते हैं, छोटे ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं, शॉर्ट टर्म क्या तरीके होते हैं, अपने इमोशन एंगर मैनेजमेंट के क्या टूल्स हैं, सारा मैंने आपको पहले भी बताया है। लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म परमानेंट चेंज, दिस इज़ व्हाट नीड्स टू बी डन एंड इट्स समथिंग दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो आप ये नहीं सोचें कि भाई एक दफ़ा हाई, अब इस बार तो मैंने पढ़ भी लिया था, इस बार मैं कोशिश भी कर रहा था, फिर मेरा गुस्सा निकल आया बच्चे पे। अपने आप को डोंट बीट योर सेल्फ डाउन, इट विल टेक टाइम, लेकिन एज लॉन्ग एज आप कॉन्शियसली बार बार कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं और आप जितने भी स्टेप छोटे छोटे स्टेप्स के साथ, लेकिन आप उधर पहुँच रहे हैं जहाँ आपने पहुँचना है, देन दैट इज़ अ गुड जॉब। तो आई विश यू द बेस्ट। ये बहुत बड़ा चेंज है और बहुत मुश्किल होएगा आपके लिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप आपके बच्चा भी वो ना हो जैसे कि बाकी सारे बच्चे हैं, और आप भी वैसा माँ बाप ना बने जैसे कि बाकी सारे माँ बाप हैं, और आपका बच्चा भी वो माँ बाप ना बने जैसे कि आप थे या आपके थे या आगे पीछे हैं आजकल, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये तरीका बहुत इफ़ेक्टिव, बल्कि सबसे इफ़ेक्टिव होएगा, लेकिन इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है उसकी वजह से ही इसका टाइम है और उसकी वजह से ही इसकी मेहनत है जो लगेगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए दुआएँ और बेस्ट ऑफ लक। Thank you.